तब होता नहीं फायदा 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 या तो आप लोग भी सर्च कीजिए फायदा फायदा व्हाट यार में कहते रायता रायता और ये इट्स माय तक क्या कलाम फायदा 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 या स्वागत है दोस्तों मेरे ब्लॉग्स पे। मैं हूँ विकास चंद्रा और आप देख रहे हैं विकास चंद्रा ब्लॉग्स चैनल। तो अभी मैं हूँ तिलका मांझी में और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम दोनों यानी मैं और मेरे साथ जो विक्रम है हम दोनों अब जा रहे हैं आदर्श आनंद से मिलने के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ है तिलका मांझी में, अब चलते हैं आगे। तो बने रहिए ब्लॉग्स पे, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। विक्रम कुमार जो है ज़्यादा एक्साइटेड है आदर्श से मिलने के लिए, तो यही बोला कि चलो आदर्श भाई से मिलते हैं। बोले चलो ठीक है, आदर्श भाई से मिलना चाहिए, भागलपुर के हैं और हम लोग भी भागलपुर से ही हैं, तो एक क्रिएटर दूसरा क्रिएटर से मिले तो ज़्यादा फ़ायदा होता है और मिलना भी चाहिए क्योंकि हम लोग आसपास में रहते हुए नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसा ठीक नहीं लगता ना। आदर्श से मिलने के लिए कितना दूर दूर के लोग आते हैं यार, हम लोग आस पास के लोग हैं, हम लोग क्यों नहीं जाएं? हम लोग बगल में रहते हैं फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह है माउंट कार्मेल स्कूल है और माउंट कार्मेल स्कूल के जस्ट बगल में ही यह सुंदरबन का यह डिपार्टमेंट पड़ता है यानी पर्यावरण डिपार्टमेंट है यहाँ, और इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं आदर्श भाई से मिलने के लिए। दोस्तों यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह एरिया कहलाता है संत नगर का, यानी कि भागलपुर का जो है संत नगर इस एरिया को कहते हैं और यह एरिया पानी टंकी इसका प्रतीक है यानी कि यहाँ पर पानी टंकी है। अच्छा अच्छा आदर्श मिले हो आदर्श से, कैसा आदमी है? अच्छा है। इस बुर्ज खलीफा को जानते होंगे जो भागलपुर का बुर्ज खलीफा है और यही जो है आदर्श भाई जो है वीडियो अपना बनाए थे एक बुर्ज खलीफा वाला जो कि अक्षय कुमार का जो सॉन्ग था, देखिए। तो फाइनली हम लोग अब आदर्श भाई के घर पर आ चुके हैं, अब उनसे मुलाकात होती है या नहीं होती देखता हूँ। तो फाइनली जिसका इंतज़ार था अब वह घड़ी आ चुकी है, हम लोग आदर्श भाई के घर पर है और बतौर आदर्श भाई यहाँ पर हैं। मिलिए इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ, मैं आपका आदर्श और आपके आदर्श को इतना ज़्यादा प्यार मतलब मिल रहा है, लोग आ रहे हैं और मोहब्बत से, और व्लॉग बन रहा है इनका और व्लॉग को देखिए और भागलपुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं व्लॉगिंग में, तो इनको प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगा आदर्श भाई से मिलकर, चूँकि अभी तो आए ही हैं हम लोग और काफ़ी बातें होंगी और मैं एक और शख्स से मिलवाता हूँ जिनके सपोर्ट से शायद आदर्श भाई नहीं रहते हैं, तो मिलवाता हूँ इनके पिताजी से। ये रहे आदर्श भाई के पिताजी। सर दो शब्द कह दीजिए दर्शक जनों से कुछ। किसके बारे में बोलो? अपने बारे में बोलिए सर, आदर्श भाई के बारे में बोलिए जो आपके सपोर्ट से मतलब इतना दूर पहुँचे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं होता तो काश ये यहाँ तक नहीं रहता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने हर एक बच्चे के अंदर में प्रतिभा छुपा रहता है, जिस प्रकार अब एक तिल्ली में आग छुपी रहती है इसको घसने का काम है, तो मैंने केवल घसा है, पॉलिश किया है और प्रतिभा के अंदर में जो है। काफ़ी अच्छे इंसान है आप, मैं मतलब आप लोगों का देखता हूँ मैं वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फैमिली, आदर्श भाई और आदर्श भाई की जो यहाँ पर फैमिली है, और यह देखिए पिताजी हुए हैं और ये मित्र हैं, मित्र है ना? हाँ भैया के हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा चालक मित्र ये आदर्श भाई के, आदर्श भाई के भैया हुए हैं और उनके दोस्त हैं, है ना? और ये मित्र हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखिए ये आदर्श भाई का जो है पूरा मतलब कि यह घर है और घर के बाहर का ये लोकेशन हुआ। गुजारिश है कि वो सनी देओल के आवाज़ में कुछ कहें दो शब्द। हाय दिस इज सनी देओल। बाबू जी मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्त आए हैं ब्लॉग बनाते बनाते, पहले मैं भी ब्लॉगिंग करता था लेकिन ब्लॉगिंग बनाने के चक्कर में मेरा दो फोन पानी में गिर गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ब्लॉगिंग बनाइए लेकिन अपने फोन को सुरक्षित रखकर बनाइए। और भैया ने कहा दो शब्द, मैंने ना जाने कितने शब्द कह दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है। काउंट करना पड़ेगा, काउंट कीजिएगा, वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ ना हो? जी हाँ।
कहल बोली लो चित्वा। तो आप लोगों ने सुना कितने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है, एक्टर है और बहुत ही ज्यादा ये फनी मिजाज के इंसान भी है। जैसा कि हम लोगों ने सुना था, कोशिश किया था, उनसे अपेक्षा बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ मिले हैं हम लोगों से। और देखिए यहाँ जो है आदर्श भाई, मतलब कि बिना किसी, मतलब कि एक होता है ना कि एटीट्यूड वगैरह, ये सब कहीं कुछ नहीं है इनमें। और आप लोग भी आकर मिल सकते हैं इनसे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और उनसे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं इनके पिताजी, ठीक है। तो बहुत ही नेक दिल हैं और अच्छे से हम लोग से मुलाकात किए हैं। अब सुनते हैं ऋतिक रोशन के आवाज़ में कुछ, एक ऋतिक रोशन की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया एंड रियली वेरी फैंटास्टिक मोमेंट ओवर हियर। Now, I'd like to say something to you guys. अपना ख्याल रखिए और व्लॉगिंग बनाइए, और इतना भी व्लॉगिंग ना बना ले कि फैता फैता कर दें। You know what फैता फैता? I don't know. You don't know फैता फैता? No. Oh my God, and we'll just fantastic. फैता फैता means फैता फैता. फैता फैता means फैता फैता. Yeah. What a joke. Oh, it's not a joke. Oh my God. So serious. Oh my God. Don't be फैता फैता over here. फैता फैता. Yeah. तो आप दर्शक जनों को बताएंगे कि फायदा फायदा का मतलब क्या होता है। आप चाहिए और फॉलो कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटा फोटा? फोटा 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 नहीं, फायदा फायदा, फायदा फायदा, फायदा फायदा। तो आप लोग भी सर्च कीजिए फायदा फायदा। व्हाट यार में कहते रायता रायता और ये इट्स माय क्या कलाम, फायदा फायदा, फायदा फायदा। या डर लग गया मुझे, बहुत डर लग गया। उतर, डरने की कोई बात नहीं है। मैं पौवा साथ में पीना है, इसलिए इनको खतरनाक अवश्य मारेगा। मेरे पुत्र को सपोर्ट करें, राजपाल यादव ऐसा नहीं करिए। आप रोने लगा पर जो है बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब कि फैंस जो भी होते हैं आदर्श भाई के, सब लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और आदर्श भाई जो है सभी की ख्वाहिश जो है वो पूरी करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अच्छे से लोगों से मुलाकातें करते हैं। तो देखिए किस तरह से ये सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, फैंस से मिल रहे हैं। मैं मिलवाता हूँ आपको आदर्श भाई के छोटे छोटे कलाकारों से। अरे नहीं हम लोग पैर छू छू के प्रणाम कर रहा है सबको। अरे नहीं पैर के छू रहे हो, बढ़िया है कि पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। नहीं नहीं कुछ और मत छूना भाई। तो मिलिए आप लोग वीडियो में, इन्हीं सबको देखते होंगे। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार है और बहुत ही, और इनसे मिलिए। ये रहा क्या नाम है? क्रिश कुमार और प्रिंस कुमार। ये लोग जबरदस्त, मतलब कि फनी क्रिएटर है, एक्टर है, और लोगों से मिलिए। बोलो क्या नाम है आप? शुभम कुमार नाम है। और आप लोग वीडियो में इन सभी को देखते होंगे मजेदार किरदार में, फनी वीडियो, यानी कि कोई भी अगर सैड सॉन्ग भी हो ना तो फनी बन जाता है। तो आप लोग इनसे मिले तो बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। और छोटे छोटे कलाकार है साथ में, विक्रम ब्लॉग्स बना रहा है और आदर्श भाई यहाँ गप सप अपना बातें कर रहे हैं। चूँकि आदर्श भाई ने कहा कि वो कोलकाता से आज ही सुबह आए हैं, तो शुभम से जानते हैं दो शब्द। शुभम तुम बोलो कुछ। बहुत अच्छा लगता है जब हम, मतलब यहाँ लोग आते हैं मिलने के लिए इन सभी से। और चूंकि बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फेमस है ये लोग, तो वाजिब है लोग आएंगे ही मिलने के लिए। और मैं भी आ चुका हूँ। ठीक है, बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। विकास मेरा ब्लॉग, थैंक यू। बहुत लोग पूछते हैं आदर्श आनंद का घर कहाँ है, तो आदर्श आनंद का घर जस्ट संत नगर पानी टंकी के पास, अगर आते हैं आप
तो यहाँ चाय का दुकान है, है ना, चाय का दुकान जस्ट बगल में ही यहाँ देखिए यह लोकेशन है और यही आदर्श भाई का घर है, तो आप आराम से आ सकते हैं आदर्श भाई से मिलने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग अभी आदर्श भाई के घर पर हैं और यहाँ रहा आदर्श भाई का न्यू कार BMW और यहाँ चमचमाती कार आदर्श भाई का है। खुशी होती है कि वो मेहनत के बल पर इतना आगे निकल चुके हैं, इतने बुलंदी पर चढ़े हैं कि वे अपना एक कार ले लिए हैं और मेरा भी इच्छा है कि मैं भी एक दिन जरूर BMW से भी बड़ा गाड़ी खरीदूंगा और बहुत नाम कमाऊंगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, फुल सपोर्ट दीजिए ताकि आपका जो विकास है वह चार चार BMW अपने घर पर ला सके। थैंक यू। आदर्श गैंग जो है वह क्या क्या करता है ये देखिए, यहाँ पर मतलब कि शैतानियाँ हो रही है। देखिए आदर्श गैंग है, यहाँ शैतानियाँ चालू है। ये देखिए तार फान के मतलब उधर गया है एक लड़का, यानी वीडियो के अलावा यह क्या होता है, ये फुटबॉल खेल रहा है लोग। ये रहा आदर्श गैंग। तो अब हम लोग चलते हैं, चूँकि आदर्श भाई को बहुत सारे काम है, वो मतलब कि बहुत बिजी रहते हैं, ज़्यादा मतलब उनको वक्त भी नहीं मिलता है कि बातचीत करें, तो हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, ठीक है आदर्श भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, इन लोग को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, दोनों भाई आए हैं बड़े मोहब्बत और शिद्दत के साथ और शुरुआत है, हाँ, और शुरुआत अच्छे से आप लोग दिल से लगाएं और लोग का सपोर्ट और प्यार दीजिए और मिलते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, आदर्श भाई के साथ काम भी करते रहेंगे बिल्कुल, और काम करने से अगर काम नहीं दिए तो फिर बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आना होगा, फिर आप लोगों से मिलवाऊंगा, जब इनका जो शूटिंग वगैरह होगा वीडियो जब ये लोग मतलब बनाएंगे तब फिर मैं आपसे मिलवाऊंगा। फाइनली आज जो है दो भागलपुरी लड़का एक भागलपुरी लड़का से मिला, यानी कि हम लोग भागलपुरिया एक जगह आज हुए शामिल और मुलाकात भी काफ़ी अच्छी हुई, गर्मजोशी के साथ हम लोग मिले, काफ़ी बातें हुई और आदर्श भाई के बारे में बहुत हम लोग जाने और वो भी मतलब हम लोग से बहुत सारी चीज़ें पूछे, हम लोग की ज़िंदगी के बारे में बहुत सवाल किए और काफ़ी हम लोग काफ़ी देर तक काफ़ी उनके पास बैठे रहे, चाय पिए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। और ब्लॉग तो उतना नहीं बन सकता है क्योंकि हम लोग करीब डेढ़ घंटा तक करीब उनके साथ हम लोग आज समय बिताएं, वो इतना समय हम लोगों के लिए निकालें, इसके लिए आदर्श भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और भविष्य में फिर मौका मिलेगा तो हम दोनों फिर उनसे मिलने के लिए जाएंगे। फिलहाल तो ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यार जिस तरह से आदर्श भाई को आप लोगों ने दिया हम लोगों को भी उतना ही प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा। यह घर हुआ आदर्श भाई का और यहाँ जो है ग्राउंड हुआ, यानी कि बाहर का जो आंगन है, और आप लोग जो वीडियो देखते हैं वीडियो में यही सब लोकेशन आपका रहता है, ये देखिए। हाँ हाँ, ये छोटा आदर्श, ये गली है, ये रहा घर आदर्श भाई का।